जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम एस्ट्रो मंत्रा में। यह है रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। एक शब्द किसी ने बड़ा सुंदर कहा, दर्द गम डर जो भी है वो सब तेरे अंदर है, खुद के बनाए हुए पिंजरे से बाहर तो निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। तो अपने आत्मविश्वास को बढ़ाए रखिए। आज हम बात करेंगे आपका किस प्रकार दिन व्यतीत होगा, 20 अगस्त 2024 का क्या खास रहने वाला है आपके लिए। बात करेंगे आज के पंचांग को लेकर के, क्या करना सही है क्या करना गलत है, कौन सा समय शुभ है दिन का और कौन सा समय अशुभ है, राहु काल आखिर कब है, क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए और आज विशेष रूप से ये तिथि ये नक्षत्र किस चीज के लिए विशेष फायदेमंद है, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे और आप सबको बहुत सारी बातें बताएंगे। मेष से लेकर के मीन राशि तक कैसा रहने वाला है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग को लेकर के। तो दिनांक 20 अगस्त 2024 दिन मंगलवार, तिथि रहेगी प्रतिपदा। प्रतिपदा तिथि कब तक रहेगी, 8:35 रात्रि तक प्रतिपदा तिथि रहने वाली है। कृष्ण पक्ष भाद्रपद का महीना, प्रतिपदा तिथि शतभिषा नक्षत्र रहेगा, पूरा दिन रहने वाला है। योग अतिगंड रहेगा, कर्ण कौलो रहेगा, अभिजित मुहूर्त होगा। अभिजित मुहूर्त शायद आप लोग जानते होंगे, प्रतिदिन में एक ऐसा समय आता है जिस समय कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है, उसको अभिजित मुहूर्त कहा जाता है। वो दिन अगर बेहतर नहीं भी हो, इस मुहूर्त में किया गया कार्य निश्चित रूप से आपको सफलता देने वाला होता है। इस समय पर अच्छा दिन नहीं भी होने के बाद, अच्छा महीना नहीं भी होने के बाद किसी भी कार्य को किया जा सकता है। अभिजित मुहूर्त का समय क्या होगा, 11:58 से लेकर के और 12:50 जो दोपहर का समय होगा, ये अभिजित मुहूर्त रहेगा। इस टाइम पर कोई भी कार्य आप कर सकते हैं, वो कार्य आपका निश्चित रूप से सफल होगा। साथ में अशुभ समय क्या रहने वाला है 20 तारीख का, वो भी आपको बता देता हूं, ये पंचांग का विषय है। 8:29 से ध्यान रख लीजिएगा, ये सुबह 8:29 से और 9:21 तक का जो समय होगा ये अशुभ समय है। इस समय पर यात्रा इत्यादि ना करें, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य ना करें तो वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। राहु काल का आज का समय होगा 3:39, दोपहर 3:39 से लेकर के और 5:17 का, दिशाशूल उत्तर दिशा रहेगी। तो ये है आज का पंचांग, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। चलिए अब चर्चा करते हैं मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत जो पूरा समय रहेगा वो आपके लिए किस प्रकार का रहेगा। तो आइए बात करें मेष राशि के बारे में। तो मेरे मेष राशि के प्यारे जातक जातिका, 20 तारीख का जो आज का दिन है वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। और फायदा किस प्रकार का रहने वाला है, आज आर्थिक दृष्टिकोण से यानी धन के लाभ का जो संयोग है वो बहुत बेहतर है। पैसे का फायदा आज होगा ही होगा, इसको ध्यान रखिएगा। पार्टनरशिप में किसी के साथ व्यवसाय इत्यादि करने का कोई रास्ता आज तैयार होगा। किसी के साथ जीवन की आगे की प्लानिंग करेंगे, फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के आप व्यस्त रहेंगे। आज क्या नहीं करने की आवश्यकता है, एक तो वाहन लेना आज बेहतर नहीं होगा, जमीन को बेचना आज फायदेमंद नहीं होगा, इन दोनों चीजों पर आपको ध्यान देना है। आपके लिए आज का शुभ अंक रहेगा 2, शुभ रंग रहेगा आपके लिए सफेद और शुभ दिशा होगी आपके लिए दक्षिण दिशा। बात करेंगे काल पुरुष की दूसरी राशि वृष के लिए। तो मेरे वृष राशि के जातक जातिका, आज की अगर हम बात करते हैं कि आपके लिए आज का दिन कैसा होगा, तो आज की परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेंगी। नौकरी से संबंधित कोई भी जो रुका हुआ आपका कार्य है वो आपका आज पूर्ण होने वाला है। व्यापार में आज लाभ होगा, नए व्यापार की योजनाएं बनेंगी, नए कार्य की योजनाएं बनेंगी। तो आज पूरा दिन आपका कार्य क्षेत्र के लिए बेहतरीन रहने वाला है। प्रयास कीजिए, रिजल्ट भी आज आपको निश्चित रूप से अच्छा मिलेगा। क्या नहीं करने की आवश्यकता है, आज आपको वाहन नहीं खरीदना है, वाहन तेजी से नहीं चलाना है। आपके लिए शुभ अंक रहेगा 3 का, शुभ रंग आपके लिए हरा रहेगा और शुभ दिशा जो आपके लिए रहने वाली है उत्तर पूर्व रहने वाली है। भगवान आपका जीवन सुखमय रखें, ये शुभकामना है। बात करेंगे काल पुरुष की तृतीय राशि मिथुन के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है।
तो मेरे मिथुन राशि के प्यारे जातक जातिका, आज आप धार्मिक यात्रा करने वाले हैं। मैं पक्का बता रहा हूं, चाहे आप मंदिर ही जाएं, लेकिन धार्मिक यात्रा आज कंफर्म है आपकी होने वाली है। पूजा पाठ इत्यादि में, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन में, यानी कुछ बुद्धिमानी वाली चर्चा, बुद्धिमानी वाले विषय पर आज आप बात करने वाले हैं। परिवार के साथ समय आपका व्यतीत होगा। आज क्या नहीं करना है आपको, एक तो कोई भी लंबी यात्रा की योजना, बहुत दूर यानी विदेश इत्यादि की योजना आज आपको नहीं बनाने की आवश्यकता है। संतान को आज डांटे इत्यादि नहीं, उनके साथ बिल्कुल भी ना उलझने का प्रयास करें। सफेद रंग आपके लिए बेहतर होगा, 6 का अंक आपके लिए बेहतर होगा। शुभ दिशा आपके लिए दक्षिण पूर्व रहने वाली है, यानी साउथ ईस्ट रहने वाली है। सो बात करेंगे अगली राशि के बारे में, कर्क राशि के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। तो मेरे कर्क राशि के प्यारे जातक जातिका, आज आपके लिए थोड़ी सावधानी की आवश्यकता निश्चित रूप से है। सावधानी किस प्रकार की, एक तो वाहन सावधानी पूर्वक चलाने की आवश्यकता है आज, और दूसरा बेकार में किसी से उलझने का प्रयास मत कीजिए। रास्ते में बिल्कुल किसी से नहीं उलझना है। क्या फायदेमंद आज रहने वाला है, आज आपको आर्थिक लाभ होगा, घर में किसी मांगलिक कार्य की योजना बनेगी, परिवार के साथ रहने का समय रहेगा, परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने की योजना आज आपके निश्चित रूप से बनने वाली है। आपके लिए 2 का अंक पश्चिम दिशा और पीला रंग शुभ रहेगा। बात करेंगे काल पुरुष की पंचम राशि सिंह के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो मेरे सिंह राशि के प्यारे जातक जातिका, आज आपकी 2-3 मुरादें पूरी होने वाली है, और वो 3 मुरादें किस चीज से रिलेटेड हो सकती हैं, वो तीनों जो मुरादें हैं आपके मन की, एक तो पत्नी पति का जो रिलेशन है, जीवन साथी के साथ रिलेशन बेहतर करने का आज मौका आपको जरूर मिलने वाला है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैरिज तय होने का योग बन रहा है। तीसरा, प्रेमी प्रेमिका से मुलाकात या उनके प्यार के इजहार का आज योग आपके साथ बन रहा है। क्या आज नहीं करना है, आज आपको डॉक्टर इत्यादि को बहुत इमरजेंसी ना हो तो नहीं दिखाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। तीसरा, आज कोई भी इन्वेस्टमेंट से आपको बचने की आवश्यकता है। आपके लिए 1 का अंक पूर्व दिशा और लाल रंग बहुत शुभ रहने वाला है। भगवान आपके जीवन को सुखमय रखें, यही मेरी शुभकामना है। बात करेंगे काल पुरुष की 6 राशि कन्या को लेकर के आज का दिन कैसा रहेगा। तो मेरे कन्या राशि के प्यारे जातक जातिका, अगर आज के दिन को हम बात करते हैं तो आज का दिन आपके लिए 2-3 चीजों को लेकर के बहुत बेहतरीन है। वो बेहतरीन क्या है, एक तो कंपटीशन के क्षेत्र में अच्छा रिजल्ट मिले, इस प्रकार की परिस्थिति है। यानी आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हो, तो बाकी लोगों की अपेक्षा आपको ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा। खेल विभाग में है तो आज आपका प्रदर्शन बेहतरीन रहने वाला है। कोई टेंडर इत्यादि भरा है तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। लेकिन शेयर मार्केट से आज हानि दिख रही है, लॉटरी सट्टा जुआ इत्यादि से हानि है, वहां पैसा ना लगाएं। आपके लिए 9 का अंक बहुत लाभप्रद है, बैंगनी जो रंग है वो आपके लिए लाभप्रद है। शुभ दिशा आपके लिए रहने वाली है दक्षिण की। भगवान आपका जीवन सुखमय रखें, यही शुभकामना है। बात करेंगे काल पुरुष की सप्तम राशि तुला के लिए। तो मेरे तुला राशि के प्यारे जातक जातिका, आपके लिए आज का दिन बहुत शानदार रहेगा। आज आपका जो ब्रेन है ना, वो बहुत स्पीड से काम करेगा, बहुत सारी उलझनों को आज आप सुलझा लेंगे। आज बच्चों से रिलेटेड चिंताएं आपकी दूर होंगी, बच्चे कुछ ऐसा करेंगे जिसको लेकर मन प्रसन्न रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा। क्या नहीं करना है, आज आपको कर्ज किसी को देना नहीं है, कर्ज किसी से लेना नहीं है। आपके लिए 7 का अंक सफेद रंग दक्षिण पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट जो दिशा है वह आपके लिए निश्चित रूप से बेहतर रहेगी। बात करेंगे राशि वृश्चिक को लेकर के। वृश्चिक राशि के प्यारे जातक जातिका, आज आपके मन की मुराद पूरी होने वाली है। बहुत दिन से जो सोच रहे थे वो कार्य आज आपका बनने वाला है। प्रॉपर्टी लेने में या वाहन लेने में आज आप बिजी रहेंगे, उनके बारे में सोचेंगे। क्या नहीं करना है, गाड़ी आज लेने का योग है, गाड़ी सावधानी से चलाना है। नौकरी के लिए आज बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, नया व्यापार शुरू नहीं करना है। 4 का अंक सफेद रंग उत्तर दिशा आपके लिए बेहतर होगी। बात करेंगे राशि धनु को लेकर के। तो मेरे धनु राशि के प्यारे जातक जातिका, आज आपका
आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, प्रदेशिक यात्राओं का योग रहेगा, पिता के स्वास्थ्य में चल रही दिक्कतें दूर होंगी। क्या नहीं करना है? एक तो आज कोई लंबी यात्रा करने से बचने, बहुत लंबी यात्रा करने से बचने की आवश्यकता है। छोटी छोटी यात्राएं किया जाए वो आपके लिए फायदेमंद है। दूसरा, जमीन से रिलेटेड कोई काम करने से बचना है। आपके लिए 9 का अंक पूर्व दिशा और उसके साथ जो रंग रहेगा वो लाल आपके लिए फायदेमंद रहेगा। भगवान आपका जीवन सुखमय रखें, यही मेरी शुभकामना है। बात करेंगे मकर राशि के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। तो मेरे मकर राशि के प्यारे जातक जातिका, आज आर्थिक लाभ दिख रहा है आपके लिए, चाहे वो शेयर मार्केट से बात किया जाए, किसी को पैसा दे रखा था उसकी वापसी प्राप्ति की बात की जाए। आज धन का लाभ जरूर होगा, परिवार के साथ समय व्यतीत होगा, कोई शुभ समाचार भी आपको जरूर प्राप्त होगा। अच्छा, क्या नहीं करना है आज? एक तो सबसे पहले प्रयास करना है पड़ोसियों से उलझना नहीं है, नशीली पदार्थ का आज बिल्कुल सेवन नहीं करना है। आज आपके लिए 8 का अंक लाभप्रद होगा। आज आपके लिए ब्लैक कलर यानी काला रंग आपके लिए लाभप्रद होगा। शुभ दिशा आपके लिए उत्तर पश्चिम होगी यानी नॉर्थ वेस्ट होगी। बात करेंगे मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ को लेकर के आखिर आज का दिन कैसा रहेगा। तो मेरे कुंभ राशि के प्यारे जातक जातिका, आज आपका दिन फिर से देखा जाए शानदार रहने वाला है। कुछ सावधानियां भी हैं, दोनों की बात करूंगा। शानदार किस प्रकार का रहेगा? आज किसी अति विशिष्ट व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। आज अपने आप को स्ट्रेस से फ्री फील करेंगे। आज कुछ लंबी यात्राएं आपकी होने वाली हैं, कुछ नई योजनाएं बनने वाली हैं। सावधानी, जीवन साथी से बिल्कुल भी विवाद नहीं कीजिएगा और आज किसी को प्यार का इजहार बिल्कुल नहीं कीजिएगा। 2 का अंक आपके लिए लाभप्रद होगा। दक्षिण दिशा और सफेद रंग आज आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। बात करेंगे कालपुरुष की अंतिम राशि मीन को लेकर के आज का दिन किस प्रकार रहेगा। तो मेरे मीन राशि के प्यारे जातक जातिका, थोड़ी सावधानी के साथ आज के दिन को व्यतीत करने की आवश्यकता है। एक तो कॉम्पिटिशन के क्षेत्र में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, शत्रु भी आज आपके मित्र बनेंगे। आज स्वास्थ्य लाभ आपको प्राप्त होगा, विदेश से रिलेटेड आपका कार्य भी होगा। क्या नहीं करना है आज? पैसा इन्वेस्ट करने से बचना है, जमीन खरीदने या बेचने से बचना है, वाहन सावधानी से चलाना है। 6 का अंक हरा रंग और पूर्व दिशा आपके लिए फायदेमंद रहेगी। कौन सा आज का लकी उपाय है? एक तो मैंने दिशाशूल बताया कि उत्तर दिशा दिशाशूल है, तो जाना हो उत्तर दिशा में तो पहले किसी और दिशा में थोड़ा जाकर के फिर उत्तर दिशा में जाएं। आज का लकी उपाय है भगवान हनुमान जी की आराधना। घर से किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए निकलते वक्त एक तो अपने जेब में लाल रंग की कोई वस्तु जरूर लेकर के जाएं। कोई आप रुमाल ले सकते हैं, कोई चीज जरूर ले सकते हैं। और जब उस लाल रंग के कपड़े को ले तो एक बार श्रद्धा से हनुमान जी का ध्यान कर लें और मन में इस प्रकार की प्रार्थना कर लें कि प्रभु कवन सो काज कठिन जग माही और जो नहीं हो या तात तुम पाही। प्रभु इस संसार का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आपकी कृपा से नहीं हो सकता है, आज हमारे ऊपर कृपा करें, मेरा दिन अच्छा हो, इस प्रकार की प्रार्थना करेंगे। भगवान की कृपा से आपका दिन बहुत सुंदर होगा, आप बहुत प्रसन्न रहें, यही शुभकामना। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।